गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरा। आज हम इस वीडियो में आपको गणित के न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय रूप बताएंगे किस तरीके से होता है, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए सिद्ध करके हमको बताना है, ठीक है। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम था वो क्या था भाई, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की कैसे होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए एफ इज इक्वल टू एम ए, जहाँ एफ किसी वस्तु पर लगाया गया बल, एम उस वस्तु का द्रव्यमान और ए ना त्वरण है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करने की करते हैं इसको सिद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख लेना है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए होता है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ठीक है, कि m द्रव्यमान के हमारे पास में कोई वस्तु है ना, और क्या लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद में संवेग, मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होता है, ठीक है। तो संवेग अब हमारे पास में दो रहेंगे, एक तो प्रारंभिक और एक क्या होगा अंतिम, ठीक है। तो p1 को हम मान लेते हैं प्रारंभिक संवेग, P2 को मान लेते हैं अंतिम संवेग, ठीक है। ये क्या रहेगा, उस वस्तु का त्वरण, ठीक है। U क्या रहेगा, वस्तु का ना प्रारंभिक वेग, और V जो रहेगा वो क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग, ठीक है। हो गया इस तरीके से। और f जो रहेगा वो क्या रहेगा, वस्तु पर लगाया या बल, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे ना प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का संवेग लेंगे, ठीक है। कौन सी अवस्था में ना, प्रारंभिक अवस्था, तो संवेग, तो प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का संवेग हमने क्या बताया, P1 बताया, ठीक है। अब संवेग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है संवेग का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एम, ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अब वेग हमारे पास में दो है, प्रारंभिक वाला और अंतिम वेग। तो प्रारंभ की बात हो रही है, इसके प्रारंभिक वेग लेंगे हम, ठीक है, U, इसको समीकरण नंबर एक दे देंगे। फिर अंतिम अवस्था में वस्तु का संवेग, ठीक है। तो अंतिम अवस्था में वस्तु का संवेग क्या लिया है, p लिया है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, वेग क्या हो जाएगा, v है, ठीक है, अंतिम के लिए। तो इस तरीके से संवेग के फॉर्मूले से हमने p1 इज इक्वल टू mu हो गया हमारे पास में, ठीक है, और p2 इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब क्या लेंगे, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन हमको लेना है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन किस तरीके से होगा, तो P2 माइनस P1 हमको करना है, ठीक है। तो P2 माइनस P1, तो समीकरण नंबर एक व दो से, ठीक है, समीकरण नंबर एक और दो से इनके मान रखना है, तो मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एम वी माइनस एम यू, ठीक है। अब यहां से m कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, v माइनस u, ठीक है। अब संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा, m v माइनस u, ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा, t ना समय, ठीक क्या रहेगा, समय, ठीक है।
अब न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? न्यूटन के नियम से ना, तो न्यूटन के नियम से ना संवेग में परिवर्तन की दर ना वस्तु पर लगाए गए बल के कैसे होती है? अनुपरमाणुपाती। ठीक है, तो बल गुणा क्या हो जाएगा? अनुपरमाणुपाती क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर। अब क्या करना है हमको? ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर, बल क्या है हमारे पास में? F, और संवेग में परिवर्तन क्या है? M। ठीक है, V माइनस U अपॉन में T, यही है। अब देखो, अब हमने ठीक है त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। त्वरण का फॉर्मूला क्या है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? ठीक है, देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, और वो क्या होता है? त्वरण। ठीक है, तो एफ अनुपरमाणुपाती एम टी। ठीक है, जहां ठीक है वी माइनस यू अपॉन में टी बराबर क्या है? ए। ठीक है, क्या है? त्वरण। ठीक है, तो ये त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो F इज इक्वल टू के एम ई है ना। तो के एम ए क्या होगा? जहां के एक ठीक है एक नियतांक है। ठीक है, और k का मान जो होगा हम एक रखेंगे, k इज इक्वल टू वन लेने पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m t। ठीक है, और ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या है? f इज इक्वल टू m a। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। आएगा समझ में आपको? चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? जो जो हमको यूज होना था वो हमने लिख लिया। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का संवेग लेना है, अंतिम अवस्था में वस्तु का संवेग लेना है, संवेग में परिवर्तन बताना है। ठीक है, इस तरीके से मान रखेंगे इनके, तो ये आ जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी ना मल्टीप्लाई में किया जाएगा न्यूटन के नियम से, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से भी आप बता सकते हो ऐसा। ठीक है, चलिए आई होप को ये समझ में आया होगा गणितीय रूप। ठीक है, थैंक यू।